हेलो फ्रेंड्स, आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल ओशियन टेक पर। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में आपको इंस्टाग्राम की एक ऐसी सेटिंग के बारे में बताने वाले हैं जिसे आपने अपने अकाउंट पर अनेबल कर लिया तो आपके इंस्टाग्राम के अकाउंट को आपके अलावा कोई एक्सेस ही नहीं कर पाएगा। अगर एक्सेस ही नहीं कर पाएगा अकाउंट को तो आपके प्राइवेट चैट्स को कैसे पढ़ पाएगा? तो क्या है वह सेटिंग, जानने के लिए वीडियो में हमारे साथ एंड तक बने रहिए। चलिए, आपका ज़्यादा समय ना लेते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सेटिंग को ऑन करने के लिए सबसे पहले आपको अपने इंस्टाग्राम के ऐप को ओपन करना है। ओपन करने के बाद नीचे इस जगह क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद थ्री लाइन पर क्लिक करना है, उसके बाद सेटिंग पर, के बाद सिक्योरिटी वाले पर। उधर इधर आने के बाद लिखा है टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन। जी हाँ फ्रेंड्स, इसी सेटिंग की बात कर रहा हूँ। बहुत से लोगों को यह सेटिंग बहुत मामूली सी लग रही होगी, पर आप लोगों को बता दूँ यह बहुत इम्पॉर्टेंट सेटिंग है। अगर आपने इस सेटिंग को ऑन कर लिया तो आपके अलावा आपके अकाउंट को कोई और ओपन ही नहीं कर पाएगा। कैसे, चलिए आपको बताते हैं। सबसे पहले इस सेटिंग को अनेबल कर लें। अनेबल करने के लिए इस पर क्लिक करें। क्लिक करने के बाद गेट स्टार्टेड पर क्लिक करें। टेक्स्ट मैसेज वाले को ऑन कर दें। ऑन करने के बाद इधर आपको अपने एक नंबर देना है। चलिए नंबर दे लेते हैं। नंबर देने के बाद नेक्स्ट पर क्लिक करना है। नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक OTP आएगी, जैसा कि आप देख सकते हैं OTP आ गई है। चलिए डाल लेते हैं। OTP डालने के बाद नेक्स्ट पर क्लिक करना है। नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद इधर लिखा है टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन इज ऑन, डन पर क्लिक कर दें। आपके टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन स्टार्ट हो गया है। अब इसको ऑन करने का यह फ़ायदा है कि अगर कोई भी व्यक्ति आपके अकाउंट को एक्सेस करेगा, वह आपकी ईमेल आईडी डालेगा, पासवर्ड डालेगा, उसके बाद जैसे ही लॉगिन पर क्लिक करेगा आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर OTP आएगी। वह OTP डालेगा तभी आपका अकाउंट एक्सेस कर पाएगा। चलिए फ्रेंड्स, अब आपको दिखाते हैं कि आपका फ्रेंड अगर आपका अकाउंट एक्सेस करेगा तो उसको किन किन स्टेपों को फॉलो करना पड़ेगा। चलिए चलते हैं ब्राउज़र पर। जैसा कि फ्रेंड्स, हम अपने ब्राउज़र पर आ गए हैं और इधर लिखते हैं instagram.com, लिखकर सर्च करते हैं। सर्च करने के बाद हम अपनी आईडी को उधर लॉगिन करते हैं, फिर देखते हैं क्या क्या स्टेप आते हैं। चलिए लॉगिन पर क्लिक करते हैं। इधर अपनी ईमेल आईडी और पासवर्ड डाल लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स, हमने अपनी ईमेल आईडी और पासवर्ड डाल लिया है। अब लॉगिन पर क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद देख सकते हैं आप फ्रेंड, इधर सिक्योरिटी कोड मांग रहा है। जब तक इधर हम सिक्योरिटी कोड नहीं डालेंगे, जो कि सिक्योरिटी कोड हमारे रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर आया है, 6 डिजिट का होगा, वह नहीं डालेंगे तब तक ये अकाउंट लॉगिन नहीं होगा। तो आप सोच सकते हैं कि यह सेटिंग कितनी इम्पोर्टेंट है। तो इस सेटिंग को अनेबल कर लें। और इस वीडियो में इतना ही। इसी तरीके की नॉलेजेबल वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर विजिटिंग माई चैनल। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में।